वेलकम टू एटेक मास एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 7 जनवरी 2021 और 7 जनवरी 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसका हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स किस बैंक ने लॉन्च किया है? डिजिटल पेमेंट इंडेक्स RBI ने लॉन्च किया है। RBI के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, RBI के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास है। RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2019 से हर साल 4 जनवरी को विश्व स्तर पर विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिनका जन्म उत्तरी फ्रांस के कुपवरे शहर में 4 जनवरी 1809 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? उपचुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा को नियुक्त किया गया है। उमेश सिन्हा को भारतीय निर्वाचन आयोग में उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। 1986 बैच के IAS अधिकारी सेवानिवृत्त सिन्हा वर्तमान में चुनाव आयोग में महासचिव के पद पर कार्यरत है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा है। मुख्य चुनाव आयुक्त का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। मुख्य चुनाव आयुक्त का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के अध्यक्ष के शिवान को कितने साल का एक्सटेंशन मिला है? इसरो के अध्यक्ष के शिवान को 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। केंद्र सरकार ने इसरो के अध्यक्ष के शिवान का कार्यकाल 1 साल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। वह 14 जनवरी 2021 से सेवानिवृत्त होने वाले थे। कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद सिन्हा अब 14 जनवरी 2022 तक इसरो के अध्यक्ष और सचिव के रूप में पद पर बने रहेंगे। इसरो के अध्यक्ष KS शिवान हैं। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? सेल के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार सोमा मंडल ने संभाला है। सोमा मंडल ने 1 जनवरी 2021 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। वह अध्यक्ष का पद संभालने वाली इस निकाय की पहली महिला प्रमुख बन गई है। वह अनिल कुमार चौधरी की जगह लेगी जो 31 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त हुए हैं। सेल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे के नए चेयरमैन और CEO का पदभार किसने संभाला है? रेलवे के नए चेयरमैन और CEO का पदभार सुनीत शर्मा ने संभाला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष एवं CEO सहित रेल मंत्रालय में पदेन प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद उन्होंने 1 जनवरी 2021 से अपना नया पदभार ग्रहण कर लिया है, जिनका विस्तारित 1 वर्ष का कार्यकाल 31 दिसंबर 2020 को समाप्त हो गया है। रेलवे बोर्ड का गठन मार्च 1905 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने अपना 63वां स्थापना दिवस कब मनाया है? DRDO ने अपना 63वां स्थापना दिवस 1 जनवरी 2021 को मनाया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है। साल 1958 में DRDO की स्थापना रक्षा क्षेत्र में शोध कार्य को बढ़ाने के लिए केवल 10 प्रयोगशालाओं के साथ की गई थी। रक्षा अनुसंधान और विकास DRDO विभाग के सचिव और अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। DRDO का स्थापना 1958 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ खोला गया है? भारत का पहला पोलिनेटर पार्क उत्तराखंड में खोला गया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 4 एकड़ में तितलियाँ, मधुमक्खी, पक्षी और कीटों की 40 प्रजातियों के साथ देश का पहला परागणकर्ता पार्क पोलिनेटर पार्क विकसित किया गया है। इस पार्क को विकसित करने का उद्देश्य विभिन्न परागकणों प्रजातियों का संरक्षण करना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री
त्रिवेंद्र सिंह रावत है, उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर लियोन मेंडोका बने हैं। गोवा के 14 वर्षीय लियोन मेंडोका इटली में आयोजित एक टूर्नामेंट में तीसरा व और आखिरी नाम जीतकर भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष अर्कडी इवोकोविच हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान मिला है? मुकेश अंबानी को 12वां स्थान मिला है। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति रिलायंस इंस्टीट्यूट लिमिटेड RIL के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक मुकेश अंबानी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 2 जनवरी 2021 के अनुसार 12वें स्थान पर आ गए हैं। अंबानी की कुल संपत्ति 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर 2020 की शुरुआत में लगभग 6.62 लाख करोड़ रुपए से घटकर 76.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 5.6 लाख करोड़ रुपए हो गई है। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति में गिरावट RIL के शेयरों में गिरावट के कारण हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोर्ट के चीफ जस्टिस की शपथ किसने लिया है? पंकज मित्तल ने चीफ जस्टिस की शपथ ली है। जस्टिस पंकज मित्तल को 4 जनवरी 2021 को केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कॉमन हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। हाल ही में मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य न्यायाधीश मित्तल की नियुक्ति की गई है। मुख्य न्यायाधीश मित्तल को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पद की शपथ दिलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी कौन बना है? दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बजाज ऑटो लिमिटेड बना है। बजाज ऑटो का मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। बजाज ऑटो के प्रबंधक निर्देशक राजीव बजाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फेडरेशन के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष संजय कपूर को चुना गया है। अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में स्थित है। अखिल भारतीय शतरंज संघ की स्थापना 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मंत्री विलास पाटिल अंदलकर का निधन हो गया है, वह कहाँ से थे? विलास पाटिल अंदलकर महाराष्ट्र के थे। महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री और 7 बार कांग्रेस से विधायक रहे विलास पाटिल अंदलकर का निधन हो गया है। अनुभवी कांग्रेसी अंदलकर को काका के नाम से भी जाना जाता था। वह कराड़ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से 7 बार लगातार 35 साल तक 1980 से 2014 के दौरान रिकॉर्ड विधायक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाला यूसुफ़ज़ई स्कॉलरशिप एक्ट किस देश ने पारित किया है? मलाला यूसुफ़ज़ई स्कॉलरशिप अमेरिका ने पारित किया है। अमेरिकी कांग्रेस ने योग्यता और जरूरतों पर आधारित कार्यक्रम के तहत उच्च शिक्षा में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाने के लिए मलाला यूसुफ़ज़ई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया है। इस विधेयक को संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट ने 1 जनवरी को ध्वनि मत से पारित किया था। यह विधेयक अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए व्हाइट हाउस जाएगा, जिसके बाद यह कानून की शक्ल ले लेगा।